ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब हम बच्चों को दुर्गति तो माया रावण ने बहुत की है, उसका क्या वर्णन करें, सब एकदम कैसे हो गए हैं दुर्गति में, दिख रहे हैं ना दुर्गति की स्थिति क्या है, वो दिखाई दे रही है। आत्मा की भी शक्ति क्षीण हो गई और शारीरिक शक्ति शारीरिक बल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और इससे हमारे जीवन में रोग शोक दुख अशांति क्या होती गई, बढ़ती चली गई। अब हम बच्चों ने कदम रख दिया है श्रेष्ठ मत की तरफ। तो श्रेष्ठ मत है क्या, क्योंकि उस पर चलना भी क्या होता है मेहनत लगती है, क्योंकि आत्मा भी बहुत कमजोर पड़ गई है ना, और बैटरी चार्ज करने की क्या है, बहुत जरूरत है। जब तक कि हम अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं करते हैं, तब तक वो श्रेष्ठ मत श्रीमत जानते हुए भी समझते हुए भी हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, धारणा नहीं कर पाते हैं, जाते हैं, आए हैं कदम आगे बढ़ाने श्री मत पर चलकर श्रेष्ठ बनने के लिए। लक्ष्य तो हम सभी ने यही रखा है, क्योंकि कर्मों की विशेष गहन गति है और उस कर्म का ही जो भी बीज बोदे वैसा ही हमको क्या होता है, फल की प्राप्ति होती है। किसानों को बीज बोने का बड़ा ज्ञान है, होता है ना किसानों को बीज बोने का, किस समय कौन सा बीज बोना है और कौन सा बीज बोएंगे जिससे फसल अच्छी पैदा होगी, समय का भी ज्ञान होता है, बीज का भी ज्ञान होता है, तो प्राप्ति भी उसको ज्यादा होती है। ऐसे ही हम बच्चों को समय का भी बोध कराया बाबा ने कि बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग का क्या है, समय है, और यही समय है जो श्रेष्ठ कर्मों का बीज क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। हम भी किसान है ना, ये खेती कर रहे हैं ना, बाबा ने हमको भी किसान बना दिया, तो ये समय का भी ज्ञान दे दिया और बीज बोने का भी हमें क्या दे दिया, समझ दे दिया।